नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी के द्वारा 1,70,461 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया का अंतिम चरण चल रहा है, रिजल्ट देने की बारी है। तो आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर छात्रों के द्वारा यह प्रश्न किया जा रहा है कि आखिर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, क्या देरी का कारण क्या है। आखिर तरह तरह की बातें निकल के आ रही थी, तो वही बता दें आपको हम कि आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया है इसको लेकर, और आप ट्वीट में देख सकते हैं उनका कहना है कि विश्वास करें या ना करें, टीआरई परिणामों की घोषणा में आपको बता दें कि 43x38 1634 योग्यता सूची तैयार करना शामिल है। अभ्यर्थी धैर्य रखें और हमें अपना काम करने दें। तो आपको बता दें कि 1634 योग्यता सूची तैयार करना है बीपीएससी को, और यही कारण है कि रिजल्ट में देरी हो रही है। आपको बता दें 1,70,000 से अधिक बहाली है देश में, एक बार में पहले कभी भी इतनी बहाली किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी आयोग के द्वारा नहीं ली गई है, और बीपीएससी के द्वारा ये बहाली ली जा रही है। और देखा जाए तो इतनी बड़ी बहाली की प्रक्रिया भी काफी कम समय में पूरी हो गई है। परीक्षा ये सब कुछ जो है 3-4-5 महीनों के अंदर में पूरा हो चुका है, और रिजल्ट को लेकर आपको बता दें कि अध्यक्ष महोदय का साफ कहना है कि 1634 योग्यता सूची तैयार करना है इन्हें। समझ सकते हैं आप, 1634, और एक एक बिंदुओं का गहन जो है विश्लेषण करना है। 1,70,000 से अधिक कैंडिडेट्स का, उन सभी का डॉक्यूमेंट्स देखना है, उनकी मेरिट लिस्ट बनाना है, उनका रिजर्वेशन देखना है। आज हमने ही रमांशु सर के साथ चर्चा किया था और आपको बताया था कि ये एक आसान प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि इतने अधिक पदों पर बहाली के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में संसाधन, लोगों की जरूरत पड़ती है, और आयोग जो है वो इसमें लगा हुआ है। इसके साथ साथ बता दें हम कि आयोग कई तरह की परीक्षा को आयोजित कराती है, जैसे कि अभी बीपीएससी 67वीं का इंटरव्यू का भी प्रोसेस चल रहा है। ऐसे में इतने बड़े परीक्षा का रिजल्ट तैयार करना है, तो आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने साफ साफ ये कहा है कि धैर्य रखें आप और हमें अपना काम करने दें। यानी कि आपको बता दें कि रिजल्ट में अभी देरी संभावित है, क्योंकि आज 12 अक्टूबर हो गया और इतना बड़ा जो योग्यता सूची बनाना है और इतने सारे कैंडिडेट्स का सब कुछ, नौकरी हो रही है, आपको बता दें कि नौकरी हो रही है, और रिजल्ट के बाद अनुशंसा भेजना होता है शिक्षा विभाग को। तो हर एक छात्र का हर एक एक अलग डॉक्यूमेंट्स होता है, उनका एक फोल्डर होता है, वो भी भेजना होता है। तो ये सारा चीज जो है उसका काम चल रहा है, और आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि 43x38 इक्वल टू 1634 जो है योग्यता सूची तैयार करना इसमें शामिल है, तो अभ्यर्थी धैर्य रखे और हमें अपना काम करने दे। और ये भी उन्होंने कहा है कि विश्वास करे या ना करे, लेकिन टीआरई परिणामों की घोषणा में 1634 योग्यता सूची को तैयार करना है। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, तो इसमें देरी होने की संभावना है। हालांकि बता दें आपको, शिक्षा विभाग के द्वारा 15 अक्टूबर से ज्वाइनिंग को लेकर पत्र जारी किया गया है, और आयोग की तरफ से ये आता है खबर, ये एक जटिल प्रक्रिया है, धैर्य रखें, हमें अपना काम करने दें। तो हो सकता है कि रिजल्ट में देरी संभावित है, रिजल्ट जो है वो आउट होने में समय लगेगा, क्योंकि अगर बहुत जल्द रहता तो ये इनके ट्वीट में इंडिकेशन उसको लेकर जरूर रहता कि हाँ हम कर रहे हैं, बहुत जल्द हो जाएगा, ऐसा कुछ रहता, लेकिन इसमें कहा गया है कि धैर्य रखें। तो अभी आपको कुछ दिन धैर्य रखना पड़ेगा। अब कितने दिन का धैर्य है ये अभी हम भी नहीं बता सकते हैं कि 1 हफ्ता रखना है, 2 हफ्ता रखना है, या अगले महीने, जो भी है आगे जरूर इसको लेकर जो है कोई ना कोई सूचना निकलेगी। फिलहाल आपको हम बता दें कि बिहार में शिक्षक भर्ती के रिजल्ट में देरी की संभावना बनने जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।